तो फाइनली दोस्तों लेकर आज को एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज को हम पोको M6 Pro का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसको रिसेंटली कुछ देर पहले फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है और गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना और याद से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस देख सकते हो कि बॉक्स कुछ इस टाइप में, जो कि पोको M6 Pro 5G लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को अंडर 10,000 में मिल जाएगा। बॉक्स के पीछे में आप सभी लोगों को इस मोबाइल के सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि आप सभी लोगों को इसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6.79 का इसका डिस्प्ले और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें। तो गाइस बॉक्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सो ये स्टिकर भी लगा हुआ है और दो ज्यादा कुछ तो इधर है नहीं। और आई थिंक यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा भी दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर भी देख सो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है सब यहाँ पर दिया हुआ है और ये 64 वाला वेरियंट हमारे पास आया हुआ है, जो की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो चले दोस्तों इसको पूरा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद ही आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ मोबाइल देखने को मिल जाता है, जो की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और पहले जैसे सभी मोबाइल में जैसा पोको का रहता है, वैसे आप लोग को डिजाइन दिया गया है। एंड देन उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर इसका केस दिया जाता है, जो कि आप सभी लोग को पता होगा हर बॉक्स में आप सभी लोग को ये केस दिया जाता है, जो कि काफी अच्छा क्वालिटी का है। एंड देन आप सभी लोग को यहाँ पर एक टाइप सी केबल दिया जाता है, जो कि ये भी आप सभी लोग को पता है कॉमन चीज, जो कि आप सभी लोग सभी मोबाइल में देखने को मिलता है। एंड देन इसके अंदर आप सभी लोग को एक 22 वॉट का एक अडेप्टर दिया जाता है, जो कि बट इसके अंदर 18 वॉट का यहाँ पर चार्जर सपोर्ट करता है। तो गाइस देख सकते हो, मतलब ये भी बहुत ज्यादा अच्छा ही है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं है, बट जो भी है गाइस ये मैं बोल दूं, ये गाइस पोको का सबसे पहला मोबाइल है जिसका डिस्प्ले सबसे ज्यादा बड़ा है। तो कुछ भी बोलो, ये मोबाइल अंडर 10,000 का सबसे बेस्ट मोबाइल होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को इसके अंदर आप लोग गेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा इसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसके अंदर आप लोग 90Hz का रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्मूथली गेमिंग भी कर सकते हो। तो इसके सारे सारे बेसिक्स के बारे में तो आप सभी लोग को पता होगा कि इस मोबाइल के अंदर आप सभी लोग को 5000mAh बैटरी दिया हुआ विद 18W चार्जर। एंड देन आप सभी लोग को इसके अंदर 6.79 का फुल HD+ डिस्प्ले आप लोग को दिया गया है विद 90Hz का डिस्प्ले। एंड आप लोग अभी बताया कि आप लोग स्नैपड्रैगन इसके अंदर 4 जेन 2 का प्रोसेसर भी दिया गया है। मोबाइल जो बोलो गाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके अंदर आप लोग गेमिंग भी करके दिखा दूं, इसके अंदर आप लोग गेमिंग भी किस टाइप में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस मोबाइल के अंदर अपने आईडी को लॉगिन कर लिया है, बट इसके अंदर आई थिंक कुछ सेटिंग करना बाकी है, क्योंकि ये न्यू मोबाइल है तो थोड़ा सेटिंग करना बचता है। तो यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर देख सकते हो, सेटिंग में जाने के बाद जो सेंसिटिविटी होता है इसको हम लोग 95 95 मैं दोनों को रखता हूँ। तो आप लोग भी आई थिंक होगा तो भाई आप लोग रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। एंड देन यहाँ पर तो कुछ और कंट्रोल में है नहीं, और यहाँ पर भी कुछ है तो यहाँ पर जो डिस्प्ले में, यहाँ पर मैं अल्ट्रा में खेलने वाला हूँ, देखते कि इसके अंदर हीटिंग भी कितना होता है अल्ट्रा में। तो गाइस मैंने यहाँ पर गेम प्ले करके देखा, तो इसके अंदर मुझे किसी भी टाइप का लैग तो नहीं देखने को मिल रहा था और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इसके अंदर आप लोग इजिली 180p में आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं दोस्तों इसके अंदर हैंडकम गेम प्ले इसलिए नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखना होता है कि इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस टाइप में होता है, इसी कारण मैंने इसके अंदर जो आप लोग को हैंडकम गेम प्ले नहीं दिखाया। बट अगर आप लोग को इसका हैंडकम गेम प्ले भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में हैंडकम गेम प्ले दिखा दूंगा। तो अगर आज छोड़ नहीं तो आई भी आपसे लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज ये वीडियो को लाइक करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।